डबल से भी ज़्यादा, मतलब मल्टीपल अगर 70 होता है, एक नमाज का सवाब इज इक्वल टू 70 नमाज़ों का सवाब। मतलब ये है रमज़ान मुबारक की कदर। वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह आज की पहली सहरी हो चुकी है। सहरी के फ़ौरन बाद 10 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर हमें पहुंचना पड़ेगा मस्जिद, क्योंकि 10 मिनट के बाद ना तक मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद जमात खड़ी होती है फजर की। तो अभी चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और आज आपको हम बताएंगे कि हमारे रमज़ान गोल्स क्या हैं। आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, या अल्लाह खैर, अल्लाह की मदद से हम अपनी आदतें अपने अंदर अच्छी आदत लेके आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ जमात के साथ, तो फिर आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रमज़ान के गोल्स क्या हैं। तो आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तब तो तक मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मिलते हैं। आधा पारा हो चुका है मेरा, पहला पारा आधा पारा, अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك। फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आधा पारा भी मैंने कंप्लीट कर लिया अल्लाह के फजल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, कैलुला कर लिया है, नमाज़ पढ़ लिया, नमाज असर भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रमज़ान के कुछ गोल्स हैं, उनमें से एक है कि मैं डेली एक सिपारा पढ़ूंगा। एक आधा सिपारा मैंने सुबह नमाज के बाद पढ़ लिया था, और एक मैं असर के बाद पढ़ूंगा। और मतलब ऑल ओवर पूरे दिन में एक सिपारा लाजमी है। वल अल्हम्दुलिल्लाह कैलुला कर लिया, नमाज़ पढ़ लिया, नमाज असर पढ़ लिया, नमाज असर के बाद मैं कुछ ज़रा कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। और मेरा इरादा है कि मैं रमज़ान मुबारक में एक कुरान मजीद का ख़त्म करूँ कम अज़ कम, और रोज़ एक सिपारा कम अज़ कम मैं पढ़ूँगा। इसके अलावा कुछ मुझे सूरतें और आखिरी सिपारा 30वां सिपारा सुरा अम्मा पारा मैंने ये याद करना, और सुरा यासीन, सुरा रहमान, सुरा वाकिया और सुरा मुल्क ये भी मैंने याद करनी है। तो ये मैं कुछ शेड्यूल करूँगा अपने अगले व्लॉग में, या शायद मेरा प्लान है कि मैं ये सारा रमज़ान मुबारक रिकॉर्ड कर लूँ। अल्लाह ताला हमें हमारी विश पूरी करे। सदका करना है डेली इंशाल्लाह, कुछ फारिग वक्त में कुरान मजीद सुनना है, जिक्र अजकार करना है। ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये हमारी ज़िंदगी तब्दील कर दे इंशाल्लाह। स्लीपलेस और चीज़ मैंने ऐड की है अपनी रूटीन में, यह है मिसवाक। मिसवाक के इतने फ़ायदे हैं भाई, मतलब हमें नहीं पता, लेकिन ये अब हमें ऐड करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा ये अपनी जेब में रखूँगा इंशाल्लाह हर वक्त। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इससे सवाब भी डबल मिलता है, डबल से भी ज़्यादा, मतलब मल्टीपल अब 70 होता है। एक नमाज का सवाब इज इक्वल टू 70 नमाज़ों का सवाब। मतलब ये है रमज़ान मुबारक की कदर। जब मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी थी 3 सफ़ें थी, और अल्लाह करे ये एंड तक चलती रहे, क्योंकि 8 तरावियों के बाद फिर 2 सफ़ें, उसके बाद 16 तरावियों के बाद फिर 1 सफ़ा आगे बढ़ जाती है। अल्लाह ताला मतलब ऐसे मस्जिदें भर दे। और मेरी कोशिश है कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप भी 1 सिपारा ख़त्म करें डेली, और इस माह मुबारक में हम कुरान मजीद का ख़त्म कर दें, एक कम अज़ कम तो एक ख़त्म हो। लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मैंने कुछ किए हैं रूटीन, अल्लाह करे मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। अभी मैंने सिपारा पढ़ना, और उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, इफ्तार करेंगे। इफ्तार के बाद के शेड्यूल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेड्यूल बनाऊँगा और यहाँ पर लगाऊँगा, ताकि मेरे दिमाग को कमांड मिलती रहे कि हाँ भाई ये करना है। एनी वेज, ये था व्लॉग की वीडियो। अगर आपको पसंद नहीं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। تقال العثار العظام به ويعود الهوى गोल्स को क्या बोलेंगे, मेरे इरादे नहीं।